आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो इस बार भारत के जवाब से सहमा चीन। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने इस बार चीन को जैसा उत्तर दिया है उससे चीन सहम गया है। चीन को पहली बार यह सबक मिल गया होगा कि हम इतने कच्चे नहीं हैं, लेकिन अब वह क्या करेगा पता नहीं, इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। भागवत संघ के परंपरागत दशहरा समारोह को संबोधित कर रहे थे। चारों धाम के कपाट बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है। तो शीतकाल के लिए चारों धाम के कपाट बंद करने की तिथियां तय कर दी गई। गंगोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। इसके अलावा तृतीय केदारतुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर और भविष्य बद्री व द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम के कपाट भी 19 नवंबर को बंद होंगे। त्यौहारों की खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को दे प्राथमिकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्यौहारों के लिए खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उन्होंने इस दिवाली देश के वीर जवानों के सम्मान में अपने घरों में एक दिया जरूर जलाने का अनुरोध किया है। देश की एक इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। तो भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को ख़त्म करना चाहता है, मगर हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा के बाद यह बात कही। अगले 5 वर्षों में 15 करोड़ छात्र बनेंगे हुनरमंद। तो स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक एक साथ चलेगा अभियान। छात्रों को उनकी रुचि के मुताबिक किसी व्यवसाय से जोड़ने की कवायद शुरू की गई है। तिरंगा लहराकर आज मनाया जाएगा विलय दिवस। तो आज विलय दिवस है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का देश में विलय हुआ था। तिरंगा फहराकर इस ऐतिहासिक दिन को भाजपा धूमधाम से मनाएगी। पालघर में आदिवासी लड़की से दुष्कर्म। महाराष्ट्र के पालघर जिले में मनोर के 16 वर्षीय आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह वारदात तब हुई जब वह जंगल से जानवर चराकर लौट रही थी। अब उम्मीद जगा रहे कोरोना के आंकड़े। तो रविवार को 221 लोग में कोरोना की पुष्टि। कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड में अब हालात नियंत्रण में लग रहे हैं। प्रदेश में 32वें सप्ताह 18 से 24 अक्टूबर कोरोना के 2507 नए मामले आए। यह 11 सप्ताह में मरीजों की सबसे कम साप्ताहिक आंकड़ा है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से पकड़े गए 8 सीआर एक भेड़िया। तो एयरपोर्ट के रनवे पर वन्य जीवों के घूमने से रहता है हादसे का खतरा। इन्हें पकड़ने के लिए लगाए गए थे पिंजड़े। पशु बलि की सूचना पर हंगामा। तो संतला देवी मंदिर मार्ग से पशु क्रूरता निवारण समिति की उपाध्यक्ष पूजा बौखंडी ने रविवार को 4 बकरे व कुछ मुर्गों का रेस्क्यू किया। उनका कहना था कि लोग इन्हें मंदिरों में बलि देने के लिए ले जा रहे थे। इसे लेकर मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करवाया। इंस्पेक्टर विद्या भूषण नेगी ने बताया कि स्थानीय लोग से जानकारी करने पर पता चला कि मंदिर में बलि प्रथा काफ़ी समय पहले बंद हो गई है। लोग मंदिर में मुर्गे या बकरे लाते हैं, लेकिन उनकी बलि नहीं दी जाती है। फिलहाल मामले में पूजा बौखंडी की ओर से तहरीर दी गई है। स्पेशल ट्रेन में सफर को जेब करनी पड़ रही ज़्यादा ढीली। तो रेलवे ने देहरादून से दिल्ली के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाकर दून वासियों को सहूलियत तो दी है, लेकिन इस ट्रेन से सफ़र करने के लिए यात्रियों को जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। दून से दिल्ली जाने वाली मसूरी एक्सप्रेस से तुलना करें तो इस ट्रेन में श्रेणीवार 30-47% तक अधिक किराया लिया जा रहा है। फाइनेंस मैनेजर कंपनी के मैनेजर समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बंधक रखा सोना हड़पने का है आरोप। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है मुकदमा। कोरोना काल में नहीं टूटी परंपरा। सांकेतिक रूप से मनाया दशहरा। तो बन्नू बिरादरी ने रावण का 5 फीट का पुतला दहन किया। 56 साल में दूसरी बार पुतले को जल समाधि दी गई। तो ऋषिकेश से खबर, जहाँ पे कोरोना संक्रमण का असर। तीर्थ नगरी में बीते 56 साल में मनाए जा रहे दशहरा पर्व पर भी साफ नजर आया। इस कालखंड में यह दूसरा मौका है जब रावण के पुतले को गंगा में जल समाधि दी गई। दून में दुर्गा महोत्सव धूम। आज होगा विसर्जन। तो दून में इन दिनों दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम है।
गंगा दर्शन कर तीर्थ नगरी से विदा हुए NSA अजीत डोभाल तो गंगा के सानिध्य में परामर्श निकेतन प्रवास के दौरान अभिभूत नजर आए डोभाल। मसूरी पहुंचे NSA अजीत डोभाल तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल निजी दौरे पर भारी सुरक्षा के बीच रविवार सुबह पत्नी के साथ मसूरी पहुंचे। यहां वह झड़ी पानी स्थित अपने निजी निवास में ठहरे हुए हैं। शिक्षकों का वरिष्ठ विवाद जल्द सुलझेगा तो शिक्षा सचिव ने न्याय वित्त व कार्मिक के साथ बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना से पूर्व पार्षद का निधन अस्पताल में हंगामा तो भाजपा नेता के और पूर्व पार्षद जीवन सिंह का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे मसूरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन के बाद स्वजनों को बॉडी न सौंपने के चलते अस्पताल में हंगामा भी हुआ। भाजपा विधायक और पार्षद के पहुँचने पर अस्पताल ने शव सौंपा। हालांकि अस्पताल की ओर से उक्त आरोपों को नकार दिया गया है। खपा हरक सिंह रावत ने पकड़ी कोटद्वार की रात। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मंच साझा करने नहीं पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। दून जो हुआ गुलजार रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे तो मालसी स्थित देहरादून चिड़ियाघर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। वीकेंड पर यहां पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। रविवार को दशहरा के अवसर पर यहाँ रिकॉर्ड 1341 पर्यटक पहुंचे। चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी को याद किया गया। नर्सिंग में 31 दिसंबर तक होंगे दाखिले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने दाखिले की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राजाजी पार्क में वित्तीय अनियमितता की होगी जांच तो वन मुख्यालय ने गठित की 4 सदस्यीय जांच कमेटी। सीएम ने किया उत्तरांचल कला दर्पण का विमोचन तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में संस्कार भारती द्वारा प्रकाशित स्मारिका उत्तरांचल कला दर्पण का विमोचन किया। भारत से सटे नेपाल के दार्चुला में लॉकडाउन सेना तैनात की गई है तो पड़ोसी देश नेपाल के दार्चुला जिले में एक साथ 200 से अधिक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नेपाल प्रशासन ने लॉकडाउन घोषित कर सेना को तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए लॉन्च किया ऐप तो सीएम बोले ऐप को स्थानीय बोलियों में भी बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कैंसर की रोकथाम के लिए कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन द्वारा निर्मित कैन ऐप लॉन्च किया है तो स्तन कैंसर का जल्दी पता लगाने के साथ 4 बाधाओं में कारगर है यह ऐप। उत्तराखंड में हो नए जिलों का सृजन तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने राज्य में नए जिलों के सृजन तथा लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा की सीटों को बढ़ाने की पैरवी की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे। बात करते विकास नगरी खबरों की तो उत्साह से मनाया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व तो दशहरा पर संक्रमण के खतरे के चलते नहीं लगा मेला। वही खबर आई है विकास नगर से जहां पे बाजार में रही रौनक व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। पॉलिटेक्निक में प्रवेश का एक और मौका तो प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला को पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद खाली रह गई 1841 सीटों के लिए सोमवार से दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की तो ऋषिकेश में भी विजयदशमी का पर्व मनाया गया। वही खबर आई है ऋषिकेश जहाँ पे अज्ञात व्यक्ति की डंपर से कुचलकर मौत हो गई तो श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत भट्टोवाला फाटक के समीप रविवार की अल सुबह डंपर की चपेट में आकर एक अज्ञात व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही खबर है ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। गढ़वाल की खबरों की बात करते तो 3 जोड़ों ने गंगोत्री मंदिर में लिए 7 फेरे तो विजयदशमी के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम में अनूठा दृश्य देखने को मिला। 3 जोड़े यहां विवाह बंधन में बंधे और इस दौरान उन्होंने गंगोत्री मंदिर की 7 परिक्रमा कर फेरे की रस्म निभाई। पुरानी पेंशन बहाली को भगवान को भेजी पाती तो कर्मचारियों ने कटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बैठक की। वहीं खबर है रा रा बाई का
गोचर का किया गया चयन। तो देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन सप्ताह पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आविष्कार कार्यक्रम में रवाइका गोचर की छात्राओं की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट के आधार पर विद्यालय का चयन किया गया। चमोली और उत्तरकाशी में बनेगा भालू रेस्क्यू सेंटर। तो मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक का उत्तरकाशी वन प्रभाग का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ। 14 गांवों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। व्हील चेयर पर बारात लेकर पहुंचा दिव्यांग मुकेश। तो खबर आई है नई टिहरी से, जहां पे बचपन में ही पोलियो के चलते दिव्यांग हो गया था मुकेश। वहीं खबर आई है नई टिहरी से, जहां पे ट्रक पलटने से चालक और परिचालक घायल हो गए। तो ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग पर जाजल के समीप ट्रक शाम को करीब 5 बजे सड़क पर पलट गया, जिसमें चालक जगदीश पुत्र गुमान निवासी थाना पोंटा साहिब घायल हो गया। बद्रीनाथ धाम में 15 नवंबर से की जाएगी पंच पूजाएं। तो कपाट बंद करने के पूर्व बद्रीनाथ धाम में है पंच पूजाओं की परंपरा। वही खबर आई है श्रीनगर से, जहां 124 सालों में तीसरी बार नहीं हुई रामलीला। 9 नवंबर को मिल सकता है प्रदेश को डोबरा चांटी पुल का तोहफा। तो टिहरी से खबर, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश को डोबरा चांटी पुल का तोहफा मिल सकता है। कोरोना से कोटद्वार में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही खबर आई है नारायण बगर से, जहां पे उत्तरी कड़ाकोट के गांव में घनघनाई फोन की घंटी। तो लंबे समय से क्षेत्रवासी कर रहे थे दूर संचार सुविधा की मांग। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर आई है, जहां पर पुरोहितों ने धरना स्थल पर मनाया विजयदशमी। वहीं खबर आई है हरिद्वार के रानीपुर से, जहां पे करंट लगने से फैक्ट्री मालिक की मौत हो गई। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा, 3 मजदूर भी झुलस गए। जमीन बेचने का झांसा देकर के 27 लाख रुपए हड़पे गए। तो लक्सर से खबर आई है, अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं। तो तोड़ती ठंड में रात भर भूख हड़ताल पर डटे रहे ग्रामीण। तो पेयजल संकट से जूझ रहे ईड़ा के बसिंदे के हौसले बुलंद हैं। सात महीने बाद बोहाला पहुंची केएमयू की बस। तो कोरोना संक्रमण के चलते 7 महीने से हल्द्वानी बोहाला केएमयू बस सेवा बंद थी, जो शनिवार को शुरू हो गई है। नशे के लिए अपनों के घर में चोरी। तो खबर है बागेश्वर, जहां पे नशों की लत पूरा करने के लिए पहाड़ के युवक अब अपनों के घर में ही चोरी करने लगे हैं। ऐसी घटना पहले मैदानी क्षेत्रों में होती थी, मगर अब पहाड़ पर चोरी बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ताज़ा उदाहरण 24 अक्टूबर का है, जिसमें एक युवा अपने चाची के घर ही लाखों का सामान चोरी कर लिया। यह अलग बात है कि पुलिस ने कुछ घंटों में ही मामले का खुलासा कर भतीजे को पकड़ लिया। वैक्सीनेशन के लिए ब्लॉक स्तर पर बनेगी टास्क फोर्स। बात करें नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में खतरनाक बने बिजली के पोल। तो लगातार दुर्घटनाओं के बाद भी ऊर्जा निगम के अफसर बेपरवाह हैं। 12,000 की आबादी के सामने जल का संकट बना हुआ है। वही खबर आई है, 5,000 सैलानी आए नैनीताल। तो सरोवर नगरी में रविवार को 5,000 से अधिक सैलानी ने पर्यटन स्थल की सैर की। पार्किंग स्थल पर्यटक वाहनों से पटे रहे। पर्यटकों की आमद बढ़ने से व्यवसायों के चेहरे खिले हुए नजर आए। पर्यटक आज से जू में कर सकेंगे शिखा के दीदार। तो चिड़ियाघर पहुंचने वाले पर्यटक अब 2 वर्षीय बाघिन शिखा का भी दीदार कर सकेंगे। यूओयू में 60,000 दाखिले दून व हल्द्वानी पसंदीदा केंद्र। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अब तक करीब 60,000 स्टूडेंट अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कर चुके हैं। भीमताल में रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए हैं। नरभक्षी की पहचान में दिक्कत। तो ओखलखांडा क्षेत्र में एक ही वक्त में 2 गुलदार दिखाई पड़ने से बढ़ी वन विभाग की चुनौती।
वही खबर आई है गदरपुर से, जहाँ पे युवक की मौत, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका, तो संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, उसी समय मायके में रह रही पत्नी ने पुलिस को पति की हत्या की आशंका जताते हुए सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिकारी व कर्मियों को छका रहा गुलदार, तो आदमखोर को पकड़ने को तीन स्थानों पर लगाए गए हैं पिछड़े दिन भर चलती रही गश्त पर नहीं मिली सफलता। खाई में गिरी कार चालक की मौत, तीन घायल हो गए। तो लोहागढ़ से खबर है, जहाँ पे पार्टी विकास खंड के अमोली गांव में पार्टी की ओर आ रही एक कार की खाई में गिर गई, जिससे चालक की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दारमा घाटी में भेड़ बकरियों के साथ चरवाहों का माइग्रेशन शुरू हो गया है। तो ऊंची हिमालय घाटियों में ग्रीष्मकालीन प्रवास अब समाप्ति की तरफ है। ऊंची हिमालय के बुग्यालों की जड़ी बूटी मिश्रित मुलायम घास चरने के बाद भेड़ बकरियां के झुंड नीचे की तरफ आने लगे हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर खबरों की, तो युवक की मौत, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका। खनन माफिया व पुलिस की मिली भगत, तो अवैध खनन में संलिप्तता के आरोप में अब तक 27 पुलिसकर्मी हो चुके हैं निलंबित। वही खबर है रुद्रपुर से, जहां पे दो सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की हत्या के दो सप्ताह बाद भी पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे पुत्री को भगा ले जाने का आरोप मुकदमा दर्ज हुआ। तो एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके 18 वर्षीय पुत्री 14 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे घर से चप्पल ठीक कराने की बात कहकर गई थी। देर शाम तक वह नहीं लौटी। युवती की मां ने मोहल्ले के ही अनस पर बेला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। जसपुर में दामाद पर हमला, 4 पर केस दर्ज किए गए हैं। तो जसपुर से खबर है, जहाँ पर युवक पर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मकान का ताला तोड़ उड़ाए जेवर, तो खबर है ये खटीमा से, जहाँ पर मझोला में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर 70,000 की नकदी समेत 5,00,000 रुपये के सोने का आभूषण उड़ा लिया। दंपति को बंधक बनाने की सूचना पर छापा, तो श्रम पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में दंपति को बंधक बनाए जाने की सूचना पर छापामारी की। टीम को ऐसा कोई मामला हकीकत में नहीं मिला। वही खबर है, उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा होमवर्क। तो उत्तराखंड में 2 नवंबर से सरकारी और निजी माध्यमिक स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इन छात्रों को शिक्षक पढ़ाएंगे तो सही, पर होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूल खुलने पर करीब 3 हफ्ते लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर ऑनलाइन और दूसरे माध्यम से हुई पढ़ाई का ही रिविजन करवाया जाएगा। साप्ताहिक बंदी पर भी खुले रहे बाजार। तो विजयदशमी पर्व पर साप्ताहिक बंदी के बावजूद बाजार तो खुले रहे, मगर बाजार में भीड़ भाड़ थोड़ी कम ही दिखाई दी। व्यापारियों ने त्यौहार के दिन बाजार खुले रखने का निर्णय लिया था। पर्यटकों से गुलजार रहा आसन झील, तो आसन झील में विदेशी परिंदों के आगमन के साथ ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बीकेम पर रविवार को पर्यटक काफ़ी संख्या में पहुंचे। दून में रात को ठंड और दिन में गर्मी का एहसास, तो सुबह शाम की ठंड के बीच सोमवार को दून के आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि दोपहर में तेज धूप होने से तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। खबर है कोटद्वार से, जहाँ पर कोटद्वार में युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या की। तो नगर निगम के पदमपुर क्षेत्र में एक युवक ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं खबर है, देवप्रयाग संगम के पास युवती का शव मिला है। तो देवप्रयाग संगम के सामने भागीरथी नदी में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी की तेज धार में पत्थरों के बीच फंसे शव को किसी तरह बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए श्रीनगर भेजा है। पर्यटकों से गुलजार हुआ डोडी ताल, तो प्रदेश सरकार के अनलॉक में राहत देने के बाद बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जनपद के पर्यटन क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। बीते एक सप्ताह में 50 से अधिक पर्यटक डोडी ताल पहुंचे हैं। वही खबर है, कर्णप्रयाग में आलू 50 और प्याज 80 रुपये किलो तक बिक रहा है।